नमस्कार, मैं संजू रपरिया, संजूस किचन में आपका स्वागत है। ये हमारे बतासे बन के तैयार हैं, देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। वेट में बहुत हल्के हैं ये। आप भी इस तरह से नवरात्र में, दिवाली पर अपने घर पर ही बतासे बनाइए और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। देखिए जैन लोग इस तरह से दिवाली पर निर्माण लड्डू बना सकते हैं, छोटे छोटे घर के सभी सदस्यों के लिए। अगर आपको हमारी बतासे बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। और कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये बतासे बनाने की रेसिपी कैसी लगी। आज मैं बनाने वाली हूँ बतासे। हर मांगलिक कार्य में हमें ज़रूरत पड़ती है, होली है, दिवाली है, कोई भी पूजा में हमें बतासों की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत ही आसान तरीके से ये बतासे घर पे बन जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं ये। तो चलिए घर पे हम बतासे बनाते हैं। 1/4 कप चीनी डाल दिए, 1/4 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। इसकी चाशनी बनाएंगे और चाशनी किस तरह से बननी है मैं बताती हूँ आपको। देखिए अब हमने एक ट्रे ले लिया, ट्रे के ऊपर हमने पार्चमेंट पेपर रख दिया है। ये तैयारी हमें पहले से ही करके रखनी होगी। देखिए बहुत सावधानी से हमें ये चाशनी इसकी बनानी होगी। तो सबसे पहले हम चीनी को घोल लेते हैं। देखिए बुलबुले अभी हमें छोले के बराबर दिख रहे हैं, थोड़े से और बड़े होने लगेंगे ना, तब तक हमें इस चाशनी को चलाना है। गैस की फ्लेम हमारी मीडियम है, ना ही स्लो है ना ही हाई है। ये बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी ये बतासे बन के तैयार होंगे। इसमें हल्का सा रोज़ वाटर डाल दूँगी। बाज़ार में तो बिल्कुल सिंपल ही आते हैं, लेकिन मैं इसमें रोज़ वाटर डालूँगी। बाज़ार में जो बतासे बनते हैं ना, वो इसमें रंग कार्ड डालते हैं और रीठा का पानी डालते हैं, लेकिन हम इसमें ऐसा कुछ भी डालने वाले नहीं हैं। ये देखिए हमारी चाशनी बन के तैयार हो रही है। देखिए एक्चुअली ये बूरे वाली हमें चाशनी बनानी है। गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। अब देखिए इसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये देखिए बेकिंग पाउडर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब देखिए बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना होगा हमें। देखिए इस तरह से आप गैस पर से उतार के थोड़ा सा इसे चला लीजिए। एक एक चम्मच हम इसमें डालते जाएंगे बतासे। बाजार वाले तो बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है, उनका बिजनेस है। हमें तो सिर्फ पूजा के लिए बनाना है घर पे। तो देखिए बहुत अच्छे ये आपके बतासे बन के तैयार होंगे और तुरंत देखिए अभी सूख भी जाएंगे ये। देखिए हमारे बतासे सूख चुके हैं, तुरंत सूख जाते हैं। कितने अच्छे हमारे बतासे बने, देखिए कलर देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल वाइट कलर है। इसी तरीके से हम कलर्ड बतासे बना लेंगे। कलर्ड बतासे बनाने के लिए इसी तरह से हमें चाशनी लेनी है और इसमें हम कलर डाल देंगे। देखिए कलर्ड बतासे बनाने के लिए हमने ये रेड कलर ले लिया है। देखिए तो रेड कलर में बहुत थोड़ा सा डालूंगी, बस स्टिक में मैंने ले लिया है। देखिए बस इसको इसमें मिला दूँगी। अब
आपको जितने भी डार्क और लाइट जैसे भी बनाना हो उस हिसाब से आप कलर इसमें डाल दीजिए। थोड़ी सी एक स्टिक बूंद और डाल दीजिए, बूंद नहीं डालना है, स्टिक से ही डालना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा आपका। जिस तरह से हम शक्कर पारे बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं ना, उसी तरीके से ही चाशनी बनानी है हमें। उस साइड में भी थोड़ा चिपकने लग जाती है, साइड भी हमें वाइट वाइट दिखने लग जाता है और हल्के से इसमें झाग आने शुरू हो जाते हैं। अभी हमारी चाशनी बनी नहीं है। 1/4 चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, बस इसको कंटिन्यू से चलाते जाइए। गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिए। एक एक आधा आधा चम्मच, जितने बड़े आपको पता से बनाने हो उस हिसाब से आप इसमें डालते जाइए। बड़े बनाना हो तो बड़े भी बन जाते हैं इससे। अभी देखिए ये तुरंत सूख जाएंगे, कितने सॉफ्ट और बहुत हल्के बने हैं। ये सूख भी चुके हैं, ये देखिए ये सूख चुके हैं। जिस तरह से हमने पिंक कलर डाला, इस तरह से आप ग्रीन, ब्लू, येलो कोई भी कलर डाल के इस तरह से बतासे आप बना सकते हैं। और दिवाली पे हमें कलर वाले बतासे की ज़रूरत पड़ती है ना, आप घर पे ही बनाइए इस तरह से। आप खिलौने भी बना सकते हैं, मैंने तो मोदक के सांचे में भी डाल के बनाया है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मोदक के सांचे में किस तरह से हमें खिलौने बनाने होते हैं। मैंने स्लैब पे ही बटर पेपर डाल दिया है, आप स्लैब पे ही बनाइएगा, स्लैब पे ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। देखिए सूख भी गए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं कितना अच्छा बतासा बना है। देखिए बहुत अच्छे बतासे घर में बन जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसमें हमने जो फ्लेवर डाला है ना उसे बहुत अच्छा लगता है। आप एक चम्मच सेट कर लीजिएगा, उसी चम्मच से डालिएगा, जिससे क्या होगा आपके बतासे एक साइज के निकलेंगे। जो दिवाली पे चीनी के खिलौने मिलते हैं ना रंग बिरंगे, वो मैं आपको मोदक की सेट में बना के दिखाती हूँ। मोल्ड में हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है, घी से ग्रीस कर दिया है मोल्ड हमने, बस इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। मोल्ड जब हल्का सा गर्म रहे तभी इसको आप खोल लीजिए, नहीं तो बाद में बिल्कुल चिपक जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा खोलना। देखिए मैंने कपड़े में ये रख लिया क्योंकि ये काफ़ी गर्म है अभी, तो आप कपड़ा ही ले लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए, वाह कितना खूबसूरत, देखिए देखिए ये देखिए। इस तरह से आप रंग बिरंगे खिलौने भी बना सकते हैं। नीचे एक ग्लास रखा है, ग्लास के ऊपर मैंने कपड़े को मोड़ के उसके ऊपर रख दिया है मोदक का ये मोल्ड। आप इसको ऊपर डालते जाइए कि डालने के 30 सेकंड बाद ही आप खोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जम जाएगा तो खोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको गर्म लगे ना तो टॉवल को गीला करके भी आप रख सकते हैं। कितना अच्छा हमारा लाड़ू बनाए। इस तरह से आप दिवाली के टाइम पर निर्माण लाड़ू भी चढ़ा सकते हैं मंदिर में, बना के घर के सभी सदस्यों के लिए एक एक बना लीजिए। अगर आपको हमारी ये बतासे बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।